नमस्ते दोस्तों, मैं प्रतिभा ज्ञानधन से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ज्ञानधन एक ऐसी कंपनी है जो 2016 में शुरू हुई थी और हमारे पार्टनर्स कुछ नामचीन बैंक हैं जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक, जिससे स्टूडेंट लोन को प्रोसेस होने में तेजी तो होती है मगर हम हर स्टूडेंट के हिसाब से उन्हें एक कस्टमाइज चेकलिस्ट देते हैं और हम हमारी लोन असिस्टेंट सर्विस के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। तो आइए ये एपिसोड जो बहुत फायदे का होने वाला है उसे शुरू करें। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको इस वीडियो से बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप लाखों सेव कर सकते हैं इंडियन इनकम टैक्स के सेक्शन 80E की तरफ से अपने एजुकेशन लोन के द्वारा और कैसे आप टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि सेक्शन 80E की टर्म्स और कंडीशंस क्या होती हैं, आप खुद अपना कितना सेविंग कर सकते हैं सेक्शन 80E के अंदर अपनी टैक्सेबल इनकम के हिसाब से और कौन से ऐसे लोग होते हैं जो सेक्शन 80E के अंदर कोई फायदा नहीं ले सकते। पर सबसे पहले अगर आप हमारा वीडियो पसंद कर रहे हैं, इसे एंजॉय कर रहे हैं तो हमको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। इससे फायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 80E क्या है? सेक्शन 80E आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो एजुकेशन लोन ले रहे हैं या लेने वाले हैं फ्यूचर में। सेक्शन 80E कहती है कि आप अपने एजुकेशन लोन के EMI में जो इंटरेस्ट पोर्शन है उस पे टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब है जो भी आप अपनी एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आपकी टैक्स फ्री इनकम है। चलिए मैं ये आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। तो मान लीजिए कि आपके पिता की एनुअल इनकम है 12 लाख पर एनम, तो इस हिसाब से वो 30% टैक्स ब्रैकेट में आएंगे जिसका मतलब है वो साल का 1.8 लाख इंटरेस्ट में भरेंगे। तो लगा लीजिए कि आपने एक 40 लाख रुपए का लोन लिया है 10% इंटरेस्ट पे अपने 2 साल मास्टर्स के कोर्स के लिए, तो 2.5 साल बाद जब आपकी जॉब लगती है आप ये लोन को रीपे करना शुरू कर देते हैं। तो हर महीने अपने EMI के हिसाब से अब आपको फॉरेन में जॉब लगी है तो आप वो पैसे अपने फादर के इंडियन अकाउंट में डालते हैं और वो यहाँ से EMI पे कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि आप 8 सालों में लोन का रीपेमेंट कर देते हैं तो ये एजुकेशन लोन पर आपको 28 लाख रुपए लोन का इंटरेस्ट भरना पड़ता है टोटल इन 8 सालों का, तो ये लगभग 3.5 लाख रुपए साल का हो जाता है। ठीक है, तो अब जब आप 3.5 लाख रुपए साल का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आपके फादर की टैक्सेबल इनकम 12 लाख से घटकर 8.5 लाख रुपए हो जाएगी टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो कहां वो 12 लाख पे टैक्स पे कर रहे थे 1.8 लाख, अब जब वो 8.5 लाख पे इंटरेस्ट पे करेंगे वो हो जाएगी 83,000। तो यहाँ अब देख रहे हैं आप कि 1 लाख रुपए सेव हो जाएगा हर साल का अगले 8 सालों तक जब तक आपका लोन रीपे नहीं होता। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं अगर 1 साल का 1 लाख रुपए बच रहा है तो 8 साल में आपकी कितनी ज्यादा सेविंग हो सकती है, और अगर इन 8 सालों में आपके फादर की इनकम बढ़ जाती है तो उनकी टैक्सेबल इनकम भी बढ़ जाती है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा सेविंग होती है सेक्शन 80E के अंदर। उम्मीद है आपको यहाँ तक का वीडियो पूरी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपके दिमाग में कैलकुलेशंस को लेके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं पक्का आंसर करूंगी आपके सारे क्वेश्चंस। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि सेक्शन 80E के अंदर आप कितनी सेविंग्स कर सकते हैं। चलिए अब ये भी जानकारी ले सकते हैं कि सेक्शन 80E के अंदर इनकी खास टर्म्स और कंडीशंस क्या है, जान लेते हैं। सेक्शन 80E की पहली और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि इसका बेनिफिट कोई एक ही क्लेम कर सकता है, या तो एप्लीकेंट क्लेम कर सकता है या को एप्लीकेंट क्लेम कर सकता है। तो मान लीजिए आपकी एजुकेशन पूरी हो गई और आप इंडिया वापस आ जाते हैं तो या तो आप इसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं
या तो आपके को एप्लीकेंट जैसे आपके मदर या फादर या जो भी आपके को एप्लीकेंट है वो क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80E की दूसरी शर्त है कि आपको ये जो सेक्शन 80E का जो बेनिफिट है मैक्सिमम केवल 8 सालों तक ही मिलेगा। तो जब भी स्टूडेंट्स हम हमारे ज्ञान धन के पास आते हैं, हमारे थ्रू लोन लेते हैं, हम उन्हें ये टिप जरूर देते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो भी पे मत कीजिए, बैंक रिक्वायर नहीं करता है तो पे मत करो। खासकर कि ये जो मॉरेटोरियम पीरियड होता है उसमें, जिसका मतलब है आपका कोर्स पीरियड प्लस 6 महीने, क्योंकि ये जो पेमेंट होती है दोस्तों ये बहुत ही छोटी होती है। तो अगर आप इसी में टैक्स क्लेम करने लग जाएंगे तो आपको जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो भी बहुत छोटा मिलेगा। और इस पीरियड के दौरान जो आप अपना 8 साल का जो गोल्डन पीरियड है जिसपे आप काफी टैक्स क्लेम कर सकते हैं, इन 2-3 सालों की छोटी छोटी क्लेम में गवा देते हैं। सेक्शन 80E की तीसरी कंडीशन ये है कि आपको सेक्शन 80E का क्लेम बस तभी अप्रूव होता है जब आपने अपना एजुकेशन लोन एक RBI अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू लिया है, और वो भी जब आपने अपना एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स या ग्रेजुएशन कोर्स के लिए एनरोल किया है, जैसे कि आपके बैचलर्स या मास्टर्स। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको हमारा वीडियो पूरी तरह समझ आ रहा है और ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट हो तो आप ज्ञानधन टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स को पूरी जानकारी होती है सेक्शन 80E के बारे में, लोन प्रोसेस के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, बैंक्स, NBFCs के बारे में, अगर आपका एजुकेशन लोन चल रहा है या चलने वाला है, कैसे करें। हमारी ज्ञानधन की टीम और फाइनेंशियल ऑफिसर्स स्टूडेंट के हिसाब से आपके लिए कस्टमाइज चेकलिस्ट जो आपके दरवाजे से, जी हाँ, आपके डोर से कलेक्ट करने का भी बंदोबस्त कर सकते हैं। मैं इस समय आपको ये भी वापस दोहराना चाहूंगी कि ज्ञानधन की सारी लोन असिस्टेंस सेवाएं बिल्कुल मुफ्त हैं, हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम ये सेविंग्स को क्लेम कैसे करें। बहुत ही आसान है। तो जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो बस उसी समय सेक्शन 80E के अंडर आपने जितना भी उस एजुकेशन लोन दिया है उस साल के लिए, उसमें उस साल का आपकी जो है उतने अमाउंट से टैक्सेबल इनकम वो जो है कम हो जाएगी। और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो TDS एडजस्टमेंट के टाइम आपको अपनी कंपनी को अपने एजुकेशन लोन का जो है प्रूफ देना पड़ेगा। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, आपको जो है इतनी बड़ी सेविंग्स और इतना बड़ा बेनिफिट बस इसलिए हो रहा है क्योंकि लिए आप इंडियन हैं और आप इंडियन बैंक से लोन ले रहे हैं। मगर अगर आप इंडियन हैं और आप फॉरेन बैंक से लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स खासकर जो जैसे USA जाने वाले होते हैं वो कहते हैं अगर हम फॉरेन बैंक से लोन लेंगे तो, इस टाइम पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप फॉरेन बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपको 80E का जो है बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो जब आप अपना इंडियन बैंक और फॉरेन बैंक को कंपेयर कर रहे हैं तो सेक्शन 80E को ध्यान में जरूर रखिए। जी हाँ, और एक जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है कि अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, वही जॉब करूंगा, तो मुझे इस सेक्शन 80E से क्या लेना देना है। मगर आप ये भूल रहे हैं कि आप तो जरूर फॉरेन में पढ़ रहे हैं मगर आपके अलावा आपका जो को एप्लीकेंट है, आपके मदर या फादर, वो भी ये सेक्शन 80E के अंदर क्लेम और बेनिफिट ले सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इसके साथ एजुकेशन लोन और सेक्शन 80E के बारे में सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पक्का आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। हम बहुत मेहनत करते हैं आपको ये जानकारी लाने के लिए, तो प्लीज हमारा वीडियो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।